हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम DSSBTGT मैथ्स सिलेबस 2021 के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं ये सब यहाँ पे हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, पेपर कितने नंबर का होता है आपका? 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आने वाला है, जैसे कि 100 नंबर का आपका मैथ्स आने वाला है और 100 नंबर का आपका कॉमन पोर्शन होगा। ये आप अच्छे से जानते हो, मिलके बनेगा 200 नंबर का। कितने नंबर का बनेगा? 200 नंबर का, ठीक है। पेपर आपका 200 नंबर का बनेगा, टाइम आपका है 2 घंटे, और पेपर आपका ऑनलाइन होगा। पेपर कैसे होगा आपका? ऑनलाइन होगा, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी है पता होनी हमें, है ना। अगर यहाँ पे लेवल की बात की जाए, किसकी बात की जाए लेवल की, तो 9 से लेके 10 तक, 9 to 10 आपके क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज बनते हैं यहाँ पे 20, क्लियर। अगर बात की जाए 11 से 12 की बात की जाए, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे आपके 55 से 60 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और अगर परसेंटेज की बात करें तो होगी 55%, है ना, आपके 55% हो गए। ग्रेजुएशन की बात की जाए तो यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 25% हो गया, और ये सारा मिला के बन गया आपका 100% सब्जेक्ट का, 100% है ना, सब्जेक्ट का 100%। एक कॉमन पोर्शन आता है, मैंने बताया आपका 100 नंबर का, और एक आपका सब्जेक्ट का पोर्शन आएगा 100 नंबर का, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर चैप्टर वाइज बात की जाए, तो मैंने आपके सामने सारे चैप्टर लिख रखे हैं एक एक करके, और उनके सामने मैंने बता रखा है कि भाई यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। लॉगरिथमिक की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात की जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपी, जीपी, एचपी सब होता है, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो सारे चैप्टर मैंने लिख रखे हैं, और उनके सामने भाई उनसे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो लिख रखे, डिटरमिनेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, है ना, ये आप देख लेंगे सारे। और यहाँ पे अगर बात की जाए पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। एक एक आप ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से 2 से 3 क्वेश्चन, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो। वेक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सारे चैप्टर लिख रखे हैं मैंने, बारी बारी से सारे चैप्टर लिख रखे हैं, उनके सामने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन उठ के आते हैं। प्रोबेबिलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व से 1 से 2 क्वेश्चन, और सर्कल से 2 से 3 क्वेश्चन। ये थी बात सिर्फ आपकी 9 से लेकर 12 तक की। अब बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे, है ना, ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल पे कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं ये डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा आपका जो है उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और रियल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी ग्रेजुएशन लेवल पे बात। अब हम कॉमन पोर्शन की बात करते हैं ना, तो मैंने बताया था कि 100 नंबर का कॉमन पोर्शन आता है, उसमें क्या क्या आ सकता है। रीजनिंग 20 मार्क्स की आती है, ये आपको हालांकि पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की आती है ना, जनरल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स की आती है, और अरिथमेटिक एबिलिटी आपकी 20 की आती है, और जनरल इंग्लिश आपकी 20 की आती है, जनरल हिंदी आपकी 20 की आती है। तो ये बन गए 100, है ना, 100 बन गए, ये आपके बन गए 100। और एक लास्ट बात करूंगा क्या, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.25 आपके नंबर कट जाते हैं, समझ गए। मतलब कि चार क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक नंबर उड़ जाएगा, मतलब कि तुक्का नहीं मारना। सीधी सीधी बात क्या है, यहाँ पे कोई तुक्का नहीं मारना चाहिए। अगर आपको इसी टाइप की वीडियो से अपडेट रहना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ओके।